हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक नई वीडियो में। मैंने आपको पहले भी कहा था कि मैं आपके एग्जाम्स, जो आपका इग्नू का एग्जाम है कंप्यूटर असेंबली लैंग्वेज का, उसके रिलेटेड मैं नई वीडियोस लेके आता रहूंगा। आज का जो नया टॉपिक है वो आपका एरर डिटेक्शन एंड एरर करेक्शन है। कुछ प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में ये प्रैक्टिकल आया है, कुछ प्रीवियस ईयर एग्जाम में थ्योरेटिकल आया है, तो मैं इस वीडियो को जितना शॉर्ट करने की कोशिश कर सकता हूँ उतनी करूंगा, ताकि शॉर्ट वीडियो में आपको ये मेन टॉपिक समझ लग जाए। तो बेसिकली एरर डिटेक्शन और करेक्शन होता क्या है? जनरली जब हम कंप्यूटर में एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस पर डाटा सेंड करते हैं, तो ये कुछ ऐसा होता है कि लेट्स से ये सेंडर है आपका, सेंडर ने एक बाइनरी मैसेज है लेट्स से 110.1.1.0.1 और उसको सेंड किया रिसीवर को। रिसीवर ने रिसीव किया। ड्यूरिंग द ट्रांसफर देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आपका ये नंबर है जो खराब हो जाए, यहां पे एरर आने के चांसेस होते हैं। लाइक हमने सेंड किया डाटा 110.1.1.0.1 और हमें डाटा रिसीव हुआ 100.0.1.1.0.1, ज्यादा बिट्स खराब हो गए, सो दीज आर कॉल्ड एरर। अगर सेंडर के सेंड किए गए मैसेज की बिट्स सेम मैच ना करे रिसीवर की बिट्स के साथ, तो हम उसको एरर कहते हैं। अब एरर दो तरीके की कैटेगरीज में, एरर दो तरीके की हो सकती हैं। एक होती है सिंगल बिट एरर और एक होती है बर्स्ट एरर। सिंगल बिट एरर का मतलब है कि आपके मैसेज में सिर्फ एक बिट खराब हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, ये आपका मैसेज था, आपका सिर्फ 111.1.1.0.1, ये जो जीरो था ये चेंज होके 1 बन गया है। दिस इज कॉल्ड अ सिंगल बिट एरर वेयर ओनली 1 बिट इज करप्टेड। अगर एक से ज्यादा बिट खराब हो जाए, लेट से ये मैसेज कुछ ये हो जाता है 100.0.1, ये तीन बिट्स एक साथ खराब हुई हैं, यहाँ पे 011 था लेकिन यहाँ पे 100 हो गया, तो ये एक से ज्यादा बिट खराब हो रही है, इसको हम बर्स्ट एरर कहते हैं। इन एरर्स को डिटेक्ट करना भी जरूरी होता है और इन एरर्स को सॉल्व करना भी जरूरी होता है। तो सिंगल बिट एरर और बर्स्ट एरर्स होती हैं। पहले टेक्निक होती है हमारी एरर डिटेक्शन की, कि हाउ वुड वी कम टू नो दैट देयर इज एन एरर। तो एरर डिटेक्शन के लिए कुछ टेक्निक्स हैं, LRC, CRC, VRC एंड चेकसम। ये चार टेक्निक्स एरर डिटेक्शन टेक्निक्स कहलाएंगे। LRC का पूरा नाम है लॉन्गिट्यूड रिडंडेंसी चेक, CRC साइक्लिक रिडंडेंसी चेक, VRC वर्टिकल रिडंडेंसी चेक, और चेकसम भी एक एरर करेक्शन एरर डिटेक्शन टेक्निक्स हैं। ये टेक्निक्स बस आपको ये बताएंगे कि आपके इस मैसेज में एरर है, लेकिन इनको करेक्ट नहीं करेंगे। एरर अगर करेक्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए एक ही टेक्निक है, एरर करेक्शन जो है वो एक ही है, चेकसम, सॉरी हैमिंग कोड कह दीजिए, हैमिंग डिस्टेंस कह दीजिए, हमारे पास एरर करेक्शन सिर्फ एक ही टेक्निक है। और ये जो हैमिंग कोड एरर करेक्शन टेक्निक है, ये सिर्फ सिंगल बिट एरर को ही करेक्ट करती है, बर्स्ट एरर्स को ये करेक्ट नहीं करेगी। बर्स्ट एरर्स का बेटर सॉल्यूशन यही है कि अगर आपकी एक से ज्यादा बिट्स खराब हो रही हैं, इट्स बेटर टू आप इसको दोबारा सेंड कर दो, इस मैसेज को, तो मैसेज को दोबारा सेंड करो, वो ज्यादा अच्छी ऑप्शन है। तो एरर करेक्शन में हैमिंग कोड जो है वो सिर्फ सिंगल बिट एरर को ही करेक्ट करेगा। ओके, इसके अलावा एक पैरिटी बिट्स होती हैं। पैरिटी बिट्स समझने से पहले मैं एक बार आपको कैसे मैस एरर जनरेट होती हैं, रिडंडेंट बिट्स क्या होती हैं, वो समझाने की कोशिश करूंगा। सपोज ये मेरा मैसेज है मेरा 1101। इस मैसेज में मैं कुछ एक्स्ट्रा बिट्स स्टफ करूंगा ताकि इस मैसेज में गलतियां ढूंढना आसान हो जाए। तो मैं क्या करूंगा, एक जनरेटर होगा। जनरेटर का टास्क क्या होगा, टू प्रोड्यूस सम एक्स्ट्रा बिट्स, दैट इज जनरेट रिडंडेंट बिट्स। रिडंडेंट बिट्स, फालतू बिट्स, एक्स्ट्रा बिट्स। मेरे को तो बस यही इन्फॉर्मेशन चाहिए, लेकिन इस इन्फॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए मेरे को एक्स्ट्रा स्टफिंग की जरूरत है, जिसको हम रिडंडेंट बिट्स कहते हैं।
जनरेटर क्या करेगा, जो भी मैसेज जनरेट करेगा मैं मैसेज प्लस रिडंडेंट बिट्स दोनों सेंड कर दूंगा। ओके, जो रिसीवर होगा, रिसीवर क्या करेगा, इस मैसेज प्लस रिडंडेंट बिट्स को रिसीव करेगा, वो क्या करेगा एम प्लस आर पे चेकर अप्लाई करेगा, इसको चेकर बोलते हैं। चेकर क्या करेगा, मैसेज बिट्स को अलग कर देगा और रिडंडेंट बिट्स को अलग कर देगा। मैसेज बिट्स हम एक्सेप्ट करेंगे और इसको हम रिजेक्ट कर देंगे, हमें जरूरत नहीं है। ठीक है जी, तो ये होता है हमारे सेंडर की तरफ, जो सेंडर है सेंडर साइड हम ये करते हैं, और ये होता है रिसीवर की तरफ, रिसीवर जो है वो ये करता है। तो सेंडर साइड पे ये चीज होती है, रिसीवर साइड पे ये चीज होती है। रिडंडेंट बिट्स आर दोज बिट्स दैट आर प्लेस्ड स्पेसिफिकली टू चेक द एरर्स और टू रिमूव द एरर्स। ओके, तो ये हमारा एक टेक्निक होती है। अब कौन सी एक्स्ट्रा बिट्स बनाई जाए, क्या एक्स्ट्रा बिट लगाएं कि एरर ढूंढने आसान हो जाए, वही ये टेक्निक्स बताती हैं। इन सभी टेक्निक्स में एक चीज कॉमन होती है कि ये पैरिटी बिट्स के बारे में बता रहे हैं। पैरिटी बिट्स, पैरिटी बिट्स का सीधा मतलब है कि जो आपका मैसेज है, मैसेज में आप नंबर ऑफ वंस काउंट कर लो। अभी मेरे पास 1 2 3 तीन वंस हैं, 3 वंस हैं। Now these number of bits, the number of ones can be either odd or either can be even. यानी 1 3 5 7 भी हो सकता है total count, तो वो odd parity कहलाएगा। 2 4 6 8 भी हो सकता है तो वो even parity कहलाएगा। So parity means finding total number of ones in your message. Okay, and odd parity और even parity का मतलब क्या है कि जो total number of ones हैं उनका count क्या है, क्या वो odd number में है, क्या वो even number है, तो ये parity bits होती है। तो मैंने मेन पैरिटी बिट्स बता दिया। अब मैं एरर करेक्शन का हैमिंग कोड से द मेन टॉपिक पे आता हूं, उसको समझाने की कोशिश करूंगा। तो अब हम एरर करेक्शन शुरू कर रहे हैं। एरर करेक्शन और हैमिंग कोड। सपोज मेरे को ये मैसेज दिया है 11011, दिस इज कॉल्ड एम, एम स्टैंड्स फॉर मैसेज बिट्स। ओके, इसमें पैरिटी बिट्स और रिडंडेंट बिट्स को इंट्रोड्यूस करने के लिए एक फॉर्मूला यूज होता है, एक टेक्निक यूज होती है, जो कि ये है 2 raised to power r greater than equals to m plus r plus 1। m आपकी मैसेज बिट्स हैं और r आपकी रिडंडेंट बिट्स हैं। r stands for redundant bits. So इसमें पहले हम काउंट करते हैं कि मैसेज बिट्स कितनी है। 1 2 3 4 5, आई हैव 5 मैसेज बिट्स। r बिट्स मेरे को अज्यूम करनी पड़ेंगी, सो आई एम सॉल्विंग इट। 5 plus 1 6 हो गया। Now, I have to assume the R now, इस equation को solve करने के लिए, और R ऐसा assume करना है जो इस condition को satisfy करते हैं। For example, let R is equals to 2, तो ये 2 raised to power 2 हुआ, greater than equals to 6 plus 2, 6 plus 2 हो गया 8, 2 raised to power 2 हो गया 4, 4 greater than equal to 8 नहीं है, ये अभी false हो रहा है, तो आपकी R की value आपने गलत assume करी है। Okay, let's pick other value, R equals to 3. So again 2 raised to power 3 greater than equals to 6 plus 3, 9, 2 raised to power 3 equals to 8 greater than equals to 9, again false hai, then I'll pick R equals to 4, 2 raised to power 4 greater than equals to 6 plus 4, ye 10 aaya, ye aa gaya mera 16, 16 greater than equals to 10, ye condition true ho gayi, that means total number of redundant bits required to send this message in error correction is 4, redundant bits 4 ho gayi. मैसेज बिट्स मेरी निकली थी 5, एम वाज 5, ओके, सो एम वाज 5, आर वाज 4, सो टोटल बिट्स हमारी 9 आ गई। तो 9 बिट का हम एक ब्लॉक बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7, नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये मैंने नंबरिंग कर दी। ओके,
अब इसमें ही redundant bits भी हैं, इसमें ही message bits भी हैं। कौन सी redundant bits हैं, कौन सी message bits हैं, इससे इसको जानने के लिए आप एक shortcut याद रखो 8421। 8421 एक कोड है, यही बिट्स आपकी पैरिटी बिट्स जनरेट करेंगे। सो फर्स्ट ब्लॉक, सेकंड ब्लॉक, फोर्थ ब्लॉक एंड एट्थ ब्लॉक, अब इनको छोड़ दो, इसमें रिडंडेंट बिट्स प्रोड्यूस की जाएंगी। बाकी भी आप अपना मैसेज पुट कर सकते हो, द मैसेज इज दिस 110 1011। सो आई विल से 11011, मैसेज बिट्स मैंने लिख दी हैं। अब इन रिडंडेंट बिट्स को इंट्रोड्यूस भी करवाना है या प्रोड्यूस भी करना है। सो 8421, इसके लिए भी एक फॉर्मूला, एक टेक्निक यूज कर लीजिए। स्किप 8, टेक 8 एंड स्टार्ट फ्रॉम 0। आपने 8 नंबर्स को छोड़ना है, अगले 8 नंबर्स को पिक करना है, काउंटिंग अब 0 से शुरू करना। स्किप 8 तो 0 1 2 3 4 5 6 7 स्किप हो गई। नेक्स्ट 8 9 10 11 आप पिक करोगे, बट आपके मैसेज में सिर्फ 8 और 9 ही हैं, आगे है ही नहीं, तो आप उन्हीं को पिक करोगे। तो मैंने 0 to 7 को इग्नोर कर दिया, 8 9 10 11 को पिक कर लिया, है नहीं उसको मैं खाली छोड़ दूंगा। यहां पे अगेन स्किप 4, टेक 4 एंड स्टार्ट फ्रॉम 0। स्किप 4, टेक 4, स्टार्ट फ्रॉम 0। 0 1 2 3 ड्रॉप, 4 5 6 7 ले लो, 8 9 10 11 छोड़ दी, उसके आगे तो मैसेज है ही नहीं, तो हम वहीं पर रुक गए। दिस टाइम स्किप 2, टेक 2, स्टार्ट फ्रॉम 0। 0 1 छोड़ दिया, 2 3 ले लिया, 4 5 छोड़ दिया, 6 7 ले लिया, 8 9 छोड़ दिया, 10 11 है नहीं, तो मैं वहीं पर रुक गया। दिस टाइम स्किप 1, टेक 1, स्टार्ट फ्रॉम 0। 0 छोड़ा, 1 लिया, 2 छोड़ा, 3, 4 लिया, छोड़ा 5, 6 छोड़ा, 7, 8 छोड़ा, 9, इसके आगे है नहीं, दैट्स इट। सो यू गॉट द नंबर्स नाउ। अब आप इन पोजीशंस को इस अपने मैसेज में फाइंड आउट कीजिए। एट्थ बिट, आई डोंट हैव एन एट्थ बिट राइट नाउ, सो आई विल से क्रॉस। 9 10 11, 9 पे मेरे 1 पड़ा है, 10 11 है नहीं, तो आई एम जस्ट लीविंग इट, छोड़ दिया। 4 5 6 7, 4 पे कुछ नहीं है, 5 6 7 1 0 1। 3 2 3 6 7, 2 पे कुछ नहीं है, 3 6 7 1 0 1। 3 पे 1 है, यस। 1 3 5 7 9, 1 पे कुछ नहीं है, 3 पे 1 है, 5 पे 1 है, 7 पे 1 है और 9 पे 1 है। सो दीज आर द पोजीशंस। अब आप क्या करो, इनकी टोटल काउंट कर लीजिए। तो यहां पे टोटल है 1, यहां पे टोटल है 2, यहां पे टोटल है 2, यहां पे टोटल है 4। आई हैव ए सिंगल वन हेयर, 2 1s हेयर, 2 1s हेयर, 4 1s आर हेयर। तो ये आपने नंबर प्रोड्यूस कर लिया। अब आपको ये डिसाइड करना है कि आप क्या इवन पैरिटी यूज कर रहे हो या ऑड पैरिटी यूज कर रहे हो। मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपको इवन पैरिटी ही बोला जाता है, तो मैं भी आपकी इवन पैरिटी ही सॉल्व कर रहा हूँ। इवन पैरिटी का मतलब ये है कि यहाँ पे टोटल हमेशा इवन होना चाहिए, अगर नहीं है तो आप बनाओगे। मेरे पास 1 है, 1 ऑड होता है, इवन नहीं है। इवन बनाने के लिए अगर मैं इसमें 1+1 कर दूं, 1+1 2 हो गया, तो ये इवन में कन्वर्ट हो गया। सो दैट्स व्हाई आई विल प्लेस अ 1 हियर, इसके लिए मैंने 1 प्लेस किया। 2, ये तो ऑलरेडी इवन है, तो इसके लिए मुझे कुछ प्रोड्यूस करने की जरूरत नहीं है, आई प्लेस अ 0। अगेन 0, अगेन 0, सो यू गॉट दिस नंबर 1000। तो यहां पे आपने 1 रिसीव किया है, 0 0 0, दीज आर योर पोजीशंस जो आप यहां पे फिल करोगे। 8 नंबर पे 1 आ गया, 4 पे 0, 2 पे 0, 1 पे 0, दैट्स इट, आपका नंबर कन्वर्ट हो गया। इन हैमिंग कोड इस मैसेज को आप इस फॉर्म में सेंड करोगे। ओके, अब हम देखते हैं कि ये एरर करेक्ट हम कैसे करेंगे। ये जो हमने अभी किया है ये सेंडर साइड पे किया है, लेट्स स्टडी दिस इन द रिसीवर साइड। रिसीवर साइड, अब रिसीवर ने आपके ये मैसेज रिसीव किया है 0 0 1 0 1 0 1 1 1। अगर एरर आती है तो वो कैसे फाइंड आउट करेगा कि इसमें एरर आई है। तो अभी मैं अज्यूम करके चलता हूं कि आपकी ये बिट करप्ट है, 0 0 0 0 1 0 1 1 1 ये मैसेज रिसीव किया है। अब वो चेक करेगा कि क्या मेरा मैसेज सही है कि गलत है, तो वो क्या करेगा, दोबारा इस मैसेज को उस बॉक्स में फिल करेगा।
जीरो 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 वन जीरो वन 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 ओके वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन। अब उसको वो टू रेज टू पावर आर वाला फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, वो सेंडर करता है, रिसीवर की जरूरत नहीं है, रिसीवर ये चीज करेगा। सो ये यही लिखा हुआ, मैं इसी को यहां पे सॉल्व करूंगा। 8421 8421 के हिसाब से स्किप इट टेक इट स्टार्ट फ्रॉम जीरो, तो मेरी वैल्यूज आ रही हैं 8 एंड 9 एंड 10 एंड 11। स्किप 4 के हिसाब से आ रही हैं 4 5 6 7 2 3 6 7 1 3 5 7 9। एट्थ वैल्यू क्या है आपकी 1, नाइन्थ वैल्यू क्या है 1, आगे कुछ नहीं है आपका, तो इसको छोड़ दीजिए ऐसे ही। 4 5 6 7 0 1 0 1 2 3 6 7 0 0 0 1 1 0 3 0 5 1 7 1 9 1 काउंट करते हैं, दो वंस हैं, दो वंस हैं, सिंगल वन है और थ्री है वंस हैं, क्योंकि मैंने इवन पैरिटी यूज की थी, तो अगेन आई विल यूज द इवन पैरिटी। तो दिस इज ऑलरेडी 0 0, ये 0 नहीं है 1, ये 0 नहीं है 1। ओके, इसको आप बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करो 1100। सॉरी, आपको इसको रिवर्स ऑर्डर में लिखना होता है, सॉरी इसको आप रिवर्स ऑर्डर में लिख लीजिए, तो रिवर्स ऑर्डर में ये आपका बन रहा है 0011। कन्वर्ट इट इन द बाइनरी फॉर्मेट। तो 8421 का ट्रिक अप्लाई किया, 2 प्लस 1 3 3, आपकी थर्ड बिट ही करप्ट है। ओके, दिस इज द थर्ड बिट, ये देख लीजिए थर्ड बिट ही करप्ट है। अगर ये जीरो आ जाता तो जीरो यहां पे है नहीं, इसका मतलब होगा मैसेज बिल्कुल सही था, बट अभी आपके थर्ड बिट करप्ट है। तो अब आप क्या करोगे, अपने थर्ड बिट का वंस कॉम्प्लीमेंट कर दीजिए। वंस कॉम्प्लीमेंट मतलब रिवर्स, जीरो है तो वन, वन है तो जीरो। सो व्हाट आई डू इज जीरो जीरो, ये जीरो कन्वर्ट हो गया वन जीरो वन जीरो वन वन वन। यू कैन चेक इट हियर, ये मैसेज जो मैंने सेंड रिसीव किया था उसके बराबर एकदम आ गया। सो दिस इज डन एट द रिसीवर साइड। आप एरर कैसे फाइंड आउट करोगे, कौन सी बिट करप्ट है वो कैसे पता चलेगा, उसको करेक्ट कैसे करना है वो बता दिया मैंने। सो दिस इज योर एरर करेक्शन एंड एरर करेक्शन यूजिंग हैमिंग कोड। पहले मैंने सेंडर साइड बताया था, अब मैंने रिसीवर साइड बताया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम्स में कॉमन, बहुत कॉमन है, आता है पेपर में। थैंक यू वेरी मच, अगली वीडियो में मिलेंगे आपसे। थैंक यू।